بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مختصر حمد و صلات تو بعد کچھ ہی ایام تو بعد ساڑھے درمیان ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جو مہمان بڑی عظمت اور بڑی شان والا ہے. اسی جدوں بھی ساڈے کول کوئی پرونا یا مہمان آنا ہوئے تے اسی اپنے دل اندر یہ گل سوچنے ہاں کہ یہ جڑا مہمان آ رہا ہے یہ دی میرے ہاں کنی کو عزت ہے، یہ کنی عزت والا ہے اور کتنے مقام والا ہے. پھر وہ دی پرسنالٹی، وہ دے مقام اور وہ دی عزت دے حساب نال اسی وہ دا اکرام کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں، استقبال کرنے ہاں. تے جڑا مہینہ ساڈے کول مہمان بن کے آ رہا ہے یہ دی پرسنالٹی واسطے اینی گل ہی کافی ہے کہ یہ مہینہ اللہ دا مہینہ ہے، اللہ دی طرفوں ساڈے کول مہمان بن کے آ رہا ہے. اور جویں رحمان عظمت والا ہے ایویں او دا مہمان رمضان بھی عظمت والا ہے. اور اگر حساب لگایا جائے تے رمضان المبارک دا مہینہ اسلامی سال دا نواں مہینہ بندا ہے. تے تسی جاندے ہو کہ نواں مہینہ ماں واسطے بڑا اہم مہینہ ہوندا ہے. جویں نواں مہینہ ماں واسطے بڑا اہم ہے، ایویں رمضان دا مہینہ اہل ایمان واسطے بڑا اہم ہے. جویں نویں مہینے دے اندر ماں نوں اللہ دی طرفوں خوشخبریاں ملنیاں ہوندیاں نے، ایویں ہی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اہل ایمان نوں بھی اللہ دی طرفوں خوشخبریاں ملنیاں ہوندیاں نے. جویں نویں ماہ دے اینڈ تے ماں واسطے بڑی وڈی خوشی تے سرپرائز ہوندا ہے، اسی طرح اہل ایمان واسطے بھی رمضان المبارک دے اینڈ تے بڑا بڑا سرپرائز عید دی خوشی اندر اللہ سانو عطا فرما دے. دعا کرو اللہ پاک سانو اس مہینے دی عزت و توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے بھائی میرے محترم بھائیو، اس مہینے دی عظمت اور شان نو سمجھن لئی
इनी गल ही समझ लो कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी पाक किताब कुराने पाक अंदर किसी महीने की तारीफ नहीं की, सिर्फ एको ही महीने की तारीफ की। और अल्लाह पाक ने पूरे कुराने पाक अंदर किसी रात की तारीफ नहीं की, सिर्फ एको ही रात की तारीफ की। जिस रात की अल्लाह ने तारीफ की उस रात का नाम लैलतुल कदर है, और जिस महीने की अल्लाह पाक ने तारीफ की उस महीने का नाम रमजान मुबारक है। और जिहड़ी रात लैलतुल कदर है वह भी रमजान दे विच आती है, रमजान उल मुबारक दे आखरी अशरे दे अंदर ए मुकद्दस रात आती। और नबी रहमत रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी इस महीने की अजमत बयान फरमाई और इहदे मुकाम बयान किया। सहाबा बयान करते ने कि हजे रमजान का महीना आया नहीं सी, चंद दिन रहिंदे सन, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम नूं कठिया किया, जमा फरमाया और आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया। और उस खुतबे का उनवान नबी पाक ने रमजान की शान रखिया। और उस खुतबे के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की इरशाद फरमाया, आइए सुनिए तवज्जो कीजिए। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारिआं नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नादल होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, फरमाया है मेरे सहाबा तुहाडे उत्ते एक अजीम महीना आ रहा है, शहरुन मुबारका, अजमत वाला भी बड़ा है ते मर्तबे वाला भी बड़ा है ते बरकतां वाला भी बड़ा है। इस महीने दिया अजमतां भी बड़ियां ने, इस महीने दिया बरकतां भी बड़ियां ने। बस दो जुमलिया दे अंदर अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने पूरे रमजान की अजमत नूं समझा दिता। इंज कह लो, पहले जुमले दे अंदर नबी पाक ने रमजान दी शान बयान फरमाई है, ते अगले जुमले दे अंदर नबी पाक ने रमजान दी अहमियत बयान फरमाई है। तो पहले जुमले ते गौर करना है, फरमाया शाहरुन अजीमुन, ए अजीम महीना, अजमत वाला महीना, एदी अजमत वास्ते थोड़ी गल है, अरशा वाला रब इस महीने दियां तारीफां पिया करदा है। अल्लाह फरमांदे ने शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल्फुरकान। हर माया कायनात दे लोगो, रमजान दा महीना ओ शान वाला
अजमत वाला महीना है, जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। और मुफस्सरीन फरमाते ने अल्लाह पाक ने कल्ला रमजान अंदर कुरान नहीं नाज़िल फरमाया, बल्कि रब्बे कायनात ने तौरात नू भी रमजान अंदर नाज़िल फरमाया, अल्लाह पाक ने इंजील नू भी रमजान अंदर नाज़िल फरमाया, अल्लाह पाक ने जबूर नू भी रमजान अंदर नाज़िल फरमाया, अल्लाह पाक ने सुहबे इब्राहिम नू भी रमजान अंदर नाज़िल फरमाया, अल्लाह पाक ने अलवाहे मूसा नू भी रमजान अंदर नाज़िल फरमाया। हर नबी हर रसूल ते जेड़ी भी किताब आई है, आसमान तो जेड़ा भी पैगाम आया है, और रमजान अंदर आया है, जेड़ा भी सहीफा आया रमजान अंदर आया है। और सब तो बड़ी बात है वे जदों दा नबी पाक दुनिया तो तशरीफ ले गए ने, उदों दे जबरील दा दुनिया ते आना बंद हो गया है। हुण जबरील अल्लाह दी जमीन ते नहीं आंदा, लेकिन रमजान दा महीना एडी शान वाला है, रमजान अंदर आसमान तो जबरील भी जमीन ते आंदा है। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر। रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में आसमान से नूरियों का सरदार जिब्रील जमीन पर आता है। पहले नबियों को पैगाम देने आता था, अब नबी के उम्मतियों को सलाम देने आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा। फरमाया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام। अल्लाह को अकबर। अल्लाह फरमाया इस महीने के अंदर असी लैलतुल कदर दी मुकद्दस रात नू रखे है। जेड़ा बंदा इस रात की इबादत कर लेता, सहाबा ना नबी पाक सलातो सलाम को आए, अर्ज कर देने अल्लाह दे महबूब पैगंबर असी सुने आए, पहले उम्मती जड़े सन पहलिया कौमां उन्हां दियां उम्रां बड़िया लंबिया होया कर दियां सन, कोई हजार साल का बंदा, कोई 500 साल का बंदा, कोई 900 साल का बंदा, एनिया एनिया लंबिया उम्र होया कर दया सुन उन्हों दया सोनिया। हूँ जिस बंदे की उम्र लंबी है वह नेकिया भी तो बहुतिया कर दाएना, एदा मतलब असी फिर पीछे रह गए नेकिया के अंदर। पर मैं ना ना मेरे यारो तुसी पीछे नहीं रह गए, महबूबा फिर करना की है। पर माया रमजान आ लैन दियो, सारे कम सीधे हो जाएंगे। महबूबा किवें सीधे हो जाएंगे? फरमाया रमजान अंदर अल्लाह ने रात जिदी बनाई है, जिड़ा बंदा उस रात की इबादत कर लेंदा है, अल्लाह हजार महीने की इबादत का सवाब दे छड़दा है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ए लैलतुल कदर ते आउंदी रमजान अंदर। अल्लाह 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 किड़िया अज़मतां वाला महीना। अल्लाह अल्लाह ताई मुहब्बत नाल मैं आखिया है, मेहमान रब दा महीना गयारो, मेहमान रब दा महीना गयारो, बख्शिश दा आला खजीना गयारो, लुट लो बहारा रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह अल्लाह सहरी दा तोहफा लेकर गया आया,
सहरी दा तोहफा। रोजे रखने जे के कोई ना, क्यों भाई? कई बंदे कहते ने जी रोजे भवे रखे जान ते ना रखे जान, तरावियां भवे पढ़िया जान ना पढ़िया जान, अफतारी जरूर करांगे। है रहन दे, तू वड्डा मुसलमान तू अफतारी भी रहन दे। अल्लाह 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 सहरी दा तोहफा लेकर आया रोजे दा सब लई है पैगाम लाया लुट लो बहारा रमजान आया रमजान आया। मैं दुआ करना चाहना वा अल्लाह अल्लाह दुआ करिए हो महीना ही रमजान वाला दुआ करिए हो महीना ही होवे मक्का भी होवे मदीना भी होवे मक्का भी होवे मदीना भी होवे लुट लो बहारा रमजान आया रमजान आया। अल्लाह अल्लाह और सहरी दे वेले अफतारी दे वेले अफतारी दे वेले जम जम खजूरा अफतारी दे वेले जम जम खजूरा ओ जन्नत च मिल सन सोनिया हूरा ओ जन्नत च मिल सन सोनिया हूरा लुट लो बहारा रमजान आया रमजान आया। अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किदा मोबाइल यार बोलना पे। अल्लाह 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 नबी मोबाइल साइलेंट करके रखिया करो भाई। अल्लाह हू अकबर अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात ते जीवकार फरमाया शहरुन अजीमुल ए बड़ा अजमत वाला महीना बड़ी शान वाला महीना। अल्लाहु अकबर नबी पाक इस्लाम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने कायनात दे लोगो सुना ने अबी दाऊद की रवायत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जद रमजान का महीना आ जाता है ना तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्ना तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्ना जन्नत के दरवाजे खोल दिते जाते ने वतुगलकु फीही अबवाबु जहन्नम जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिते जाते ने। अल्लाह 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 हुण ते मामला ही उल्ट हो गया जिवें जिवें रमजान आ रहा मसीतां बंद हो रही ने जिवें जिवें रमजान आ रहा मसीतां बंद हो रही ने दुआ करो अल्लाह इन्हां नूं हदायत ता फरमाए। ये करोने की आड़ अंदर मसीतां बंद कीतियां जा रही ने और मैं परमना तौर पर कहूंगा करोने का मैं इनकार नहीं करता बीमारी है जरूर है लेकिन इसकी आड़ में अल्लाह के घरों को बंद किया जा रहा है। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोरोने की आड़ में इस्लाम को रोका जाए मसाजद को रोका जाए। इंशाअल्लाह मस्जिदां खुलियां रहनगियां नमाज़ां भी होनगियां ते तरावियां भी होनगियां और किते कोरोना आंदा ही नहीं मसीतां ते ही आंदा है। अल्लाह 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 तवज्जो करना हज़रात तेज़ी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं ते पिछली दफा भी आख्या सी कि उलमा फतवा देने अंदर जल्दी कर दे पैर पिछली दफा भी आख्या सी कि उन्नी बीमारी नहीं जितनी बड़ी आजमैश इस्लाम वास्ते एक उलमा ने जल्दी की फतवा देने में
आज पता चल रहा है कि ये बीमारी कम थी और साजिश ज्यादा थी। अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मस्जिदां दे दरवाजे जनाब अल्लाह 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 जन्नत दे दरवाजे खोल दिते जांदे ने जहन्नम दे दरवाजियां नूं बंद कर दिता जांदा है ते शैतानां नूं भी बंद दिता जांदा है। शैतान बने जांदे ने पर चेले छुट्टे फिरदे ने। शैतान बज जांदे ने चेले छुट्टे फिरदे ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात ते जीवकार गौर कर दे जाना। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फर एक औरत अल्लाह दे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम कोड़ाई है अर्ज कर दी है सोने नबिया मैं तुहाडे नाल रल के हज करना चाहती सी अज मैं कर नहीं सकी हुण दसो मैं की करा। पर मैं जदों रमजान मुबारक आयना रमजान अंदर जाके उमरा कर लवी अल्लाह तेनु हज दा सवाब दे छड़ेगा। उमरा करेगी अल्लाह तेनु हज दा सवाब दे छड़ेगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने सुनन इब्ने माजा की रवायत है और इब्ने हब्बान की सही रवायत है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने नबी पाक कोल दो बंदे आए कठे आए तो ना कठे इस्लाम कबूल किया कठे कलमा पढ़िया ते फिर अल्लाह की इबादत अंदर मशगूल हो गया नेकियां करन लग पे। कुछ दिनों तो बाद एक बंदा शहीद हो गया दुनिया तो चला गया ते जिहड़ा दूसरा बंदा है वह पूरा एक साल उसकी शहादत तो बाद जिंदा रहा। फिर एक साल बाद भी बंदा फौत हो गया। फरमाते ने मैं ख्वाब अंदर देखिया ये जिहड़ा बाप अंदर फौत होया है जन्नत च पहले जांदा पिया है वो जन्नत च बाद अंदर जांदा पिया है। मैं बड़ा हैरान होया परेशान होया कमाल वाली गल है वो बंदा फौत पहले होया वो बंदा शहीद होया लेकिन जन्नत बाद अंदर जांदा पिया है। जिहड़ा बंदा है ये फौत बाद अंदर होया ते जन्नत विच पहले जांदा पिया वजह की है। पर बंदे ने मैं दिल विच गल रख लई अल्लाह दे नबी पाक अलैहि सलाम कोल जावांगा ते नबी जाके ख्वाब दसांगा। फरमाते ने मैं अल्लाह दे नबी दी खिदमत अंदर हाजिर होया महबूबा ख्वाब आया है वो जिहड़े दो बंदे कट्ठे मुसलमान होए सन एक बंदा शहीद हो गया साल बाद दूसरा बंदा फौत हो गया। बाप अंदर फौत होने वाला जन्नत च पहले जांदा पिया वजह की है। फरमाया घबराण दी ते परेशान होने दी लोड़ काहदी है क्योंकि उहदी जिंदगी दे विच इक रमजान ज्यादा गया है। फरमाया ता जन्नत च पहले जा रहा है क्योंकि उहदी जिंदगी ते मुकद्दरां च रमजान हो रहा गया है। और सलफ सालेहीन जिहड़े सन ओ साल दे दो हिस्से करदे सन पहले छे महीने अल्लाह कोलों दुआवां करिया करदे सन या अल्लाह जिहड़ा पिछला रमजान गुजरिया है ना वो साडा कबूल कर लै। छे महीने दुआवां करदे रहे या अल्लाह साडा पिछला रमजान कबूल कर लै शवाल अंदर भी ज़िलकाद अंदर भी ज़िलहज अंदर भी मुहर्रम अंदर भी सफर अंदर भी छे महीने दुआ कर दे या अल्लाह पिछला रमजान कबूल कर लै ते अगले छे महीने दुआ कर दे या अल्लाह दिन थोड़े रह गए ने सानू रमजान नसीब फरमा दे या अल्लाह अगले रमजान तक मोहलत दे दे। अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा देने का बंदियां दी गल है ना कईयां नू रमजान सुन के उंजी सिर च पानी पै जांदा है रोजे आंदे ने खरे की बनेगा अल्लाह को अकबर की बनेगा दस भी की बनेगा की हो की जाए लोग बहाने बनाते फिरते ने मसले अल्लाह जानता अज रमजान कित्थे ते मसले हुणे नाल शुरू हो गए ने जी ए मैं शुगर का मरीज हाँ मैं जनाब हैपेटाइटिस का मरीज हाँ मैं फलाना मरीज हाँ मैं फलाना मरीज हाँ ते की होएगा रोजा रखेगा की होएगा। फर्ज करो एक बंदा हार्ट का मरीज है और रोजा रखेगा की होएगा वध तो वध यही होएगा मर जाएगा इस तो ते कुछ नहीं होने लगा। अल्लाह दे बंदिया होर की चाहिए रोजा रखिया हो हार्ट तेन हो जाए मेरे होंठ खुश्क हो जाए और रोजा सहरी सहरी तेरी बंगले होवे अफतारी तेरी जन्नत च होवे और तेनू की चाहिए।
सहरी इथे करे, अफतारी जन्नत च करे, और कुछ तेन चाहिए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरा ते जीवकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नल प्यार नल सुनते चले जाना। हर माया कायनात दे लोगो अजमत वाला ते शान वाला महीना, बल्कि सही अल बुखारी दी रवायत है। अल्लाह जानदा जिदन मैं हदीस पढ़ीए मेरा ईमान ही ताजा हो गया है, मैनू बड़ा सुकून मिल गया है। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा, पर अल्लाह की कसम हर इमामदार बंदा हर नेक ते चंगा बंदा मैं नहीं समझदा हदीस सुन तो बाद रमजान दाया करेगा। मैं नहीं समझदा कोई रमजान दे रोजे नहीं रखेगा। हर मोमन बंदा इस हदीस तो बाद रमजान मुबारक का कदर जरूर करेगा। सही अल बुखारी में आता है 1863 नंबर हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया जड़ा बंदा रमजान अंदर अल्लाह दे घर जाके उमरा करेगा इंजे जिवे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नाल रल के हज कर लिया है। अल्लाह अल्लाह किड्डी वड्डी गल, कमली वाले ते नाल रल के हज करन दा सवाब है, उमरा करन दा रमजान अंदर। रमजान एडा आला महीना, अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खदरा ते जीवकार गौर कर दे जाना दरा। आया दुनिया ते माहे रमजान रहमता लटाउण वास्ते, आया दुनिया ते माहे रमजान रहमता लटाउण वास्ते, लेके आया जिनी जात दा समान, लेके आया जिनी जात दा समान साडे बख्शाउण वास्ते। और नूरी चन चढ़े जदों आसमान ते, लग जांदियां पबंदियां शैतान ते, लग जांदियां पबंदियां शैतान ते, रोजेदारां दा ना करे नुकसान रोजे तो रहण वास्ते। आया दुनिया ते माहे रमजान रहमतां लटाउण वास्ते, ओ वेखो कैडा ए महीना दा जवाब ए, नेकी इक करो लख दा सवाब ए। ओ देखो कहता है मकीना दा जवाब ए, फिर लख ते बस नहीं। अल्लाह फरमाते ने मेरा दिल करे मैं जिन्नी मर्जी अता कर देवा, मेरी रहमत जोश अंदर आ जाए 100 गुणा 700 गुणा 1000 गुणा जिन्ना मेरा दिल करे मैं नेकियां दे छड़ा। अल्लाह 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 अल्लाह, ओ देखो कहता है मकीना दा जवाब ए, नेकी एक करो लख दा सवाब ए, ओ नेकी एक करो लख दा सवाब दे। ओ देखो कहता मखीना आलीशान रब नू मनाउण वास्ते, आया दुनिया ते माखे रमजान रहमतां लटाउण वास्ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होण वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون।
अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार एक फरमाया शाहरुन नाजी ए शान बयान होगी हुन अहमियत सुन लो फरमाया शाहरुन मुबारक आए बरकत वाला महीना जे ए जंदर बरकत बड़िया नादल हुंदियां ने अल्लाह पहले बरकत दा डेफिनेशन समझो बरकत कहंदे किनो ने हजरत दी वकार बरकत दा माना है वे शै थोड़ी होवे फायदा बहुता हो जाए रोटियां दो खोवन बंदे चार रज जान है यज कह लो बंदा नेकी थोड़ी करे सवाब बहुता लभ जाए इनू बरकत कहंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया फरमाया कायनात दे लोगो रमजान मुबारक दे अंदर अल्लाह नेकियां डबल ट्रबल कर देंदा है अल्लाह नेकियां वधा देंदा है 70 गुणा नेकियां वधा दित्तियां जांदियां ने डबल ते ट्रबल बंदियां नूं अजर अता कर दित्ते जांदे ने रमजान अंदर अल्लाहु अकबर नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा रमजान दे महीने दे अंदर किसे बंदे नूं रोजा रखवा देंदा रोजा अफतार करवा देंदा है अफतारी दे वक्त किसे बंदे नूं अपने जनाब दसरखान ते बुलांदा है अफतारी करा देंदा है फरमाया जिन्ना सवाब रोजा रखण वाले नूं होएगा उतना ही सवाब रोजा अफतार करवाण वाले नूं होएगा जिन्ना सवाब अफतार करवाण वाले नूं होएगा उतना ही अफतार करण वाले नूं होएगा ते दोवां दे सवाब विच कमी नहीं होएगी उहनूं वी उहना ही दित्ता जाएगा ते उहनूं वी उतना दे दित्ता जाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह नेकियां दा अजर बड़ा चढ़ा के अल्लाह अता करदा है नेकियां दा अजर दुगना ते चुगना करके कायनात दा रब अता करदा है अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा हजरत जी वकार तवज्जो कर दे जाना दरा नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया फरमाया कायनात दे लोगो रमजान मुबारक दे महीने दे अंदर अगे ते इंजे ना के अल्लाह ताला सोमवार वाले दिन या जुमे वाले दिन माफिया का ऐलान करते ने लेकिन रमजान अंदर हर रोज अल्लाह माफी का ऐलान करते ने हर रोज बंदिया माफ किया जाता है हर रोज बंदिया ते मगफरत का ऐलान किया जाता है हर रोज बंदिया नु जहन्नम तो आजाद किया जाता है हर रोज बंदिया नु जन्नत दे दाखले अता किए जाते ने अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा और दुआ करो अल्लाह पाक सानू रमजान साढ़े मुकद्दर अंदर कर दे दिन थोड़े ही रह गए ने दिन ने तीन चार दिन ने लेकिन गल ते तां है जे मोहलत लभ जावे कई इंज दे बंदे ने जिन्हां नूं मोहलत नहीं लभदी मोहलत दुआ करो अज रज रज के अल्लाह कोल दुआ करो या अल्लाह सानू रमजान नसीब कर दे अल्लाह रमजान नसीब कर दे अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर करना फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फरमाया रमजान दा ते कुरान दा पसंदर बड़ा गहरा ताल्लुक है रमजान भी हिदायत वाला कुरान भी हिदायत वाला रमजान भी फर्क वाला कुरान भी फर्क करने वाला बड़े बड़े बंदे रमजान अंदर नेकी दे रस्ते ते आंदे ने फिर पक्के हो जांदे ने बड़े बड़े बंदे रमजान च दाढ़ी रखदे ने फिर पक्के पक्के दाढ़ी रख लैंदे ने बड़े बड़े बंदे रमजान अंदर नमाज़ा शुरू करदे ने फिर पक्के पक्के नमाजी बन जांदे ने रमजान भी हिदायत वाला कुरान भी हिदायत वाला रमजान भी फर्क करने वाला ते कुरान भी रमजान ने फर्क कर देना सच्चे कौन ने झूठे कौन ने पक्के कौन ने कच्चे कौन ने रमजान आंदा जाएगा ते वेखिया जे पक्के मसीती होणगे कच्चे कनातां दे पिछे होणगे जड़े पक्के मुसलमान ने ओ नमाजा पढ़ते नजर आणगे ते जड़े कच्चे ने होटलां ते बैठे चरदे नजर आणगे होटलों से बैठे खाते नजर आएंगे बहाने बनाते नजर आएंगे मैनू फलां तकलीफ है जी मैनू फलां तकलीफ हूँ तो सुनिया कई मौलवी भी रोजा नहीं रखते आखे मैं जुमा पढ़ाना है मैं तार रोजा नहीं रखना रोजे तो पहला रज पुज के आके चंगी तरह है खा पी के फिर मिंबर से खलो कहते रोजे रखो ते तेरे प्यो ने रखना है तेरा रोजा किने रखना
तेरे आला रोजा किने रखना है मैं लोकां नूं कही जाना ते आप तू जनाब चंगा रज पुज के आ बैठा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना कदा तुसी ये भी ना ना कहो भी साडे ते सुहागा फेरी जांदा को मौलवियां ते भी फिरना चाहिए। अल्लाह 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 तवज्जो करना कदरा ते जी वकार बड़े बड़े बंदियां दा फर्क हो जांदा रमजान अंदर पता लग जांदा है केड़े पक्के ने केड़े कच्चे ने केड़े रब वास्ते भुख बर्दाश्त कर सकदे ने केड़े अल्लाह वास्ते प्यास बर्दाश्त कर सकदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरत ते सी वकार बंदे मसले भी अजीब अजीब पुछदे ने। हजरत मौलाना दाऊद गदनवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां कोल इक नौजवान कई नौजवान भी बड़े ना उन्हां दी कोशिश होंदी है कि मौलवियां नूं तंग कीता जाए। कहण लगा जी कोई इंज दा मसला भी दसो खां भी मैं रोजा भी रखिया वे ते खा भी लवां ते पी भी लवां ते रोजा भी ना टुटे। फरमांदे ने कल रोजा रख के आवी ते फिर मैं तेनूं दसां। उन्हें आखिया जी कल नहीं अज ही दसो। उन्हें जी कल तू रोजा रख के आएगा ते मेरे कोलों आके लित्तर खा लवी ते उतो गुस्सा पी जावी रोजा नहीं टुटेगा। है किड्डा सौखा काम है लित्तर खा लेगा गुस्सा पी लेगा रोजा नहीं टुटेगा। एक कई दा जड़े इंज दे सवाल पूछन ना उन्हां दा फिर जवाब इंज दा ही देना चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना कदरा ते जीवकार कौर कर दे जानो दरा। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल और रमजान अंदर कम केड़े केड़े करने ने हजरत दी वकार सब तो पहले रमजान तो पहले पहले अजे दिन रहिंदे ने रमजान तो पहले पहले जिहड़े दिन ने ना इन्हां दिनां दे अंदर बंदे लभो घर लभो गरीब लभो मुस्ताहिक लभो जिहड़े बेचारे रोजे रखना चाहते ने लेकिन उन्हां दे कोल ताकत कोई नहीं जिन्हां दे कोल सरमाया कोई नहीं माल कोई नहीं बेचारे माड़े बंदे गरीब बंदे अल्लाह जानदा साल डेढ़ दे अंदर बंदे बड़े ही कमजोर हो गए ने बंदे बड़े ही माड़े हो गए ने गरीब पिस करके रह गया बेचारा गरीब जेड़ा है माड़ा हो करके रह गया है। अल्लाह जानदा है सानू ते बड़े बड़े बंदियां दा फोन आंदा है बंदे रो पैंदे ने फोन करके मौलाना बच्चियां दे खाण नूं करे कुछ भी कोई नहीं मौलाना बड़ियां गुरबतां आ गईयां ने घर दे अंदर वीर जी रमजान दे आण तों पहला पहला तैनूं चाहीदा है तू पूरी ट्राई कर पूरा पता करे ते एक गल होर लभ लै जिहड़ा बंदा मुस्तहिक होएगा ओह तैनूं आटे दे ट्रक विच लैण ते लगा नजर नहीं आएगा जिहड़ा बंदा मुस्तहिक होएगा होवेगा भी मुस्तहिक ते होवेगा भी चंगा बंदा होवेगा भी रब वाला ओह तैनूं किते लैणा विच खलो के आटे दे थोड़े नसदा भजदा नजर नहीं आएगा ओह तैनूं घर बैठा रोंदा नजर आएगा ओह तैनूं घर बैठा आंसू बहांदा नजर आएगा ओ या रब दे सामने रोंदा नजर आएगा ओदियां अलामतां तो तेनूं पहचान ना पवेगा किनू जरूरत है ओदियां निशानियां तो तेनूं पता लवाना पवेगा ए बाकी बंदा जिहदा है जिहड़ा मुस्तहिक ना मैनूं दस ना की फायदा ओ तेरियां दौलतां दा जे तेरा गवांडी भुखा बन जाए ओ की फायदा अफतारी दे वक्त तेरे सत सत खाणियां दा जे तेरा गवांडी भुखा सौ जाए मैनूं दस ना की फायदा तेरियां जे तेरी भैन दे घर विच अग ना बड़े जे तेरी भैन दा चुल्हा जनाब खाली रह जाए जे तेरी भैन दे बच्चे बेचारे बिलकते रह जान। अल्लाहु अकबर अल्लाह रमजान जिहड़ा पिछला गुजरिया है ना बड़े बड़े वाकियात सुनने के अंदर आए ने बड़े बड़े दर्दनाक गल्लां सुनने के अंदर आईयां। अल्लाहु अकबर टद्दू दे नाके दा वाकिया है अल्लाह छे तियां और जनाब घर विच कोई शह नहीं खाण वास्ते गुरबतां नचदियां पईयां ने घर दे अंदर ते बेचारा बाप सुबह गया है मजदूरी करन वास्ते निकलिया सारा दिन लभदा फिरिया है लॉकडाउन ने फड़ के बिड़ा गर्क कर दिता इस करोने की साजिश ने फड़ के लोगों दी कमरां तोड़ दित्तियां इस करोने दे फितने ने फड़ के लोगों नूं बेरोजगार कर दिता सारा दिन बेचारा बाहर फिरदा है ते शाम नूं घर पहुंचिया है ते कोई शह नहीं ओहदे कोल कोई शह नहीं ओहदे कोल ते धीआं भी रोंदियां ने ते बीवी भी रोंदी नजर आंदी है आप भी बह के रोंदा है ते मजबूर होके खुदकशी कर लैंदा है बाकायदा अखबार ते खबर आई हज़रत
जनाब तेजीबकार मैं रज के खावा, मेरा गवांडी गुरबत तो जनाब तंग आके खुदकशी कर लवे, मेरी जनाब इफ्तारी दे टाइम ते सत सत खाने पे होवन, ते मेरा भरा बेचारा दो डंग दी रोटी तो तरसदा होवे। ओ अग लावां जिद्दी दौलत नूं जिहड़ी दौलत तेरे भरा दे घर दा चुल्हा ना बाल सके, की फायदा उस दौलत। हाय हाय अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया मेरे दोस्त ने गल सुनाई, अल्लाहु अकबर अल्लाह पिछले रमजान की गल है। अल्लाहु अकबर अल्लाह वो कहता जी एक बाप है तो दिया बेटियां तीन बेटियां बड़िया, एक छोटी जी बेटी है। तो जनाब सारा रमजान गुजर गया है, जनाब रमजान के अंदर रोज जनाब गुजारा कदी किसी घरों कोई शह आ गई खा के गुजारा कर लिया, कदी भुखियां गुजारा कर लिया, कदी रो के गुजारा कर लिया, कदी किवें गुजारा कर लिया। एक दिन बाप गया है मजदूरी करम ते सारा दिन मजदूरी वास्ते भजया फिर है, शाम को कुछ नहीं लंबा इफ्तारी दे वक्त जो घर आया है ना इफ्तारी दे टाइम दह के रोन लग पिया है। ते छोटी जी बेटी आई है ते रोंदी रोंदी कहती है अब्बा जी चुप कर जाओ आज भी असी इफ्तारी पानी नाल ही कर लवांगे, अब्बा जी चुप कर जाओ आज भी असी इफ्तारी पानी नाल ही कर लवांगे। क्या फायदा तेरे दौलतमंद होण दा, ओ क्या फायदा ओ तेरे घर विच मशरूबां दियां लैणां लगियां पईआं ने ते गरीब भुखे पै मरदे ने। इस वास्ते रमजान दे आण तो पहिलां पहिलां बंदे लभ लो, पर लभ के उन्होंने घर अंदर राशन पहुंचा दो। अल्लाहु अकबर अल्लाह ओए कमलिया जबान चो दुआवां नहीं दिल विचो दुआवां निकलण गियां, इंजदियां दा भला करेगा इन्हां दा पेट तेनू दुआवां देगा, उन्हां दा दिल तेनू दुआवां देगा। अपने घर दा ना सोच, गरीबां दा सोच, माड़ियां दा सोच। मैं अपनियां बहनां के गुजारिश करांगा, मेरी माओ बहनो शहरी दे टाइम कोई एक अद्धी डिश घट भी बन जाए कोई गल नहीं, बल्कि मेरी ओ भैनो इंज करिया करा ना डिशा बना के ते को पूरी डिश पक्की पकाई चुक के गरीब दे घर खिला दिया कर, किसे माड़े दे घर खिला दिया कर, किसे मिसकीन दे घर दे दिया कर। अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा। इस वास्ते रमजान मुबारक दे अंदर सब तो पहला काम में करना है लभ लो बंदे गरीब मिसकीन जिन्हां दे घरां दे अंदर राशन पहुंचाना है, ते लभिया जे बंदे चुन के कोई इंज ना हो जड़े तेरे सदके दे पैसे ते शराबा पीण, कोई इंज दे बेगैरत ना हो जड़े तेरे सामने गरीब गरीब करके लै जान ते बाद अंदर चरस दे सूटे लाण, इंज दे कमाशतियां कोलों बचना है, इंज दे गद्दियां कोलों बचना है, उहनां नूं देणा है जड़े अफतारी करके सजदे च डिग के तेरे वास्ते रब अगे दुआ करन वाले, उन्हां नूं देण दा की फायदा जिन्हां खा के डकार मारने ने और शराबा पीणियां ने, उन्हां नूं देण दा कोई फायदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वक्त ए जिन्नू रब तौफीक देवे ओही करदा। अल्लाह दी जमीन ते बड़े बड़े बंदे पै ने, वह भी पै ने जिन्हां दियां दौलतां 600 अरब ने, लेकिन गरीबां नूं कोई फायदा नहीं। क्या फायदा तेरियां 600 अरब दौलतां दा, की करना है उन्हें दौलतां जद तेरिया दौलतां। ओए अल्लाह दे बंदिया तू बड़े अकाउंट अपने खोले, कोई इंज दा अकाउंट बना जा दुनिया तो टुर जावे पिछों सवाब तेनू मिलदा रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। इस वास्ते अल्लाह कोलो मोहलत भी मंगो कि रमजान तक अल्लाह दिंदा रखे, ते अपनियां दौलतां दे विचों गरीबां मिसकीनां दा ख्याल करो ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं अगले दिन पढ़दा पिया सा जिहड़ी साम सिंह कंपनी है ना इहदा जिहड़ा जनाब डायरैक्टर है मालिक इहदा, अल्लाहु अकबर अल्लाह साम सिंह कोरिया दा लफ़ज़ है और कोरियन दा अंदर साम सिंह तिना सितारियां नूं कहिंदे ने, तीन सितारे आसमान ते जिहड़े चढ़दे ने ना रात दे वक्त उहनां तिना सितारियां नूं साम सिंह बोलिया जांदा है। उहनां ते जनाब ने कंपनी बनाई, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा कमाया।
छे साल बंदा रहा कौमे दे अंदर, छे साल तक कौमे दे अंदर रहा, अखा नहीं खोलिया। हजरत दी वकारो दे बेटे ने बड़े पैसे लाए डॉक्टर दे कोल, बड़िया दौलत लगाइया, बड़े पैसे छे साल अंदर खर्च किए। हजरत दी वकार छे साल तक उन्हें पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन बाप ने अखा नहीं खोलिया, कौमे बिच रहा। पर छे साल तो बाद पिछले साल मर गया, ते नाले पुत्र रोंदा है, ते नाले कहिंदा है काश मैनू पता वे कि सावां कित्थों लभदियां ने, मैं अपने अबे वास्ते सावां भी लैके आ जावां। हजरत दी वकार कोई नहीं लभदियां सावां, सावां तां वधदियां ने जे गरीब दियां हावां तो तू बच जावे। मेरे नबी ने फरमाया है जदों बंदा सिला रहमी करदा ते अल्लाह बंदे दियां सावां बदा छड़दा है। अपने गरीब भरा नूं रोंदे रखा, अपनी गरीब भैन नूं रोंदे रखा, अपने गरीब भैन दे जनाब जुत्ती ते कपड़े लै करके पहुंचा। हजरत दी वकार पहला खामे करना ते दूजा की करना है। जदों रमजान आ जाए, रमजान मुबारक का महीना आ जाए, फिर अंदर रोजियां दे तमाम करना है। कोई बहाना नहीं करना, कोई बहाना नहीं करना, हर बहाने तो पाक होके रोजा रखना है, हर बहाना पीछे रख के रोजा रखना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फायदा की होएगा, अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा बंदा अल्लाह की रजा के खातिर एक रोजा रखता है, एक रोजा अल्लाह ताला जहन्नम तो 70,000 मील दूर कर छड़दा है। एटा दूर बंदा जहन्नम तो चला जांदा है, जिहड़ा बंदा एक रोजा रखदा है। इत्थे ते पता लगना है कि तू रब नाल किन्ना को प्यार करना है। इस वास्ते कोई बहाना नहीं, इस वास्ते कोई दलील ते को मसला नहीं पुछना, बल्कि रोजे का इतमाम करना है। ते रोजे का माना यह नहीं कि बंदा मुंह तो रोजा रखी हो, खावे कुछ ना ते पीवे कुछ ना, चुगलियां भी करता रहे बह के, खिबता भी करता रहे बह के, घर में बच्चियों बीमारी जाए ना ना। हजरत दी वकार अखदा रोदा है, जबान दा रोदा है, कान दा रोदा है, हथां दा रोदा है, पैरां दा रोदा है, तेरे पूरे बदन दा रोदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जदों रोजे की आदत अंदर होना है, वो कोई वादा भी करे फिर भी चुप कर रहना है, कोई ज्यादती भी करे फिर भी चुप रहना है। मेरे नबी पाक ने फरमाया चुन्ना रोजा डाल है, किवें दी डाल है, रोजा भी रखिया ते लड़ी भी जांदा बंदा ना ना। रोजे दी हालत अंदर लड़ना नहीं, रोजे दी हालत अंदर गीबत करनी नहीं, रोजे दी हालत अंदर चुगली करनी नहीं, रोजे दी हालत अंदर मंदा बोलना नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हालत इतों तक बिगड़ गई है, हुण अल्लाह जानदा रोजा रखण वाले बंदे थोड़े ने, रोजा रखने वाले थोड़े ने, तो बगैर रोजे तो बहुते ने। कोई वक्त सी रोजेदारा दे सामने बंदे रोटी नहीं सन खांदे, रोजेदारा दे सामने कोई आके पानी नहीं सी पीता। मौलाना साहब पट्टी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब च लिखते ने, कहते ने जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान कट्ठे सन ना, अरमांदे ने हिंदुस्तान दे अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, उहदा बंदे दा नाम है जिहड़ा पंजाब है ना हिंदुस्तान दा, उथों का बकायदा वजीर आला रहा, फौत हो गया पुराने दौर अंदर, जैल सिंह कियानी उहदा नाम सी। कहिंदा सी कट्ठे काम करिया करदे सन दफ्तर दे अंदर। महाराज साहब पट्टी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने रमजान दा महीना आ गया ते मैं रोजा रख के आया वा, ते जदों उहदा सिख दा रोटी खाण दा टाइम होया, वो साडे तो लुक के परां जाके खाना खा रिया, चुप के खा रिया है। ते मैं बाद अंदर उहनूं पुछिया यारे की गल है, उहने आख्या मेरे मतलब अंदर रोजा कोई नहीं, लेकिन मेरे मतलब अंदर एहसास भी मौजूद है। मैनू इन्ना पता है कि गरीबां दा एहसास करना है, मैनू इन्ना पता है कि रोजे रखण वाले बंदियां नूं तंग नहीं करना। हजरत दे दी वकार इस वास्ते नाले रोजा रखण दा एक बड़ा वड्डा फायदा है, जदों बंदे नूं रोजा लग गया होवे, भुख लगी होवे, फिर पता लगता है कि भुखियां ते की बीतदी है। जदों बंदे ने रोजा लग गया होवे ते बंदे नूं प्यास लगी होवे, फिर पता लगता है प्यासियां ते की बीतदी है। जनाब दे यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों मिस्र दे बादशाह बने,
ते हजरत यूसुफ ने रोजे रखने शुरू कर दिते और फिर जनाब दे यूसुफ अलैहि सलात व सलाम को पूछा गया रोजे क्यों रख दे हो फरमाते ने ता रखना ताकि मैनू पता लगे मेरे मुल्क दे भुखियां ते की गुजरदी है ताकि मैनू एहसास होवे अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जानो दरा मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना रोजा इंज रखना है मेरे दा नतीजा कि मिलेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने इन्ना है तुसी सुनिए ना इन्ना व मलाइका युसल्लूना अलन नबी सुनिए थोड़े कदी सुनो नबी पाक ने फरमाया इन्नल्लाह बड़ी प्यारी गल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन फरमाया अल्लाह ते अल्लाह दे फरिश्ते रोजेदारा ते दरूद भेजदे ने अल्लाह दा दरूद की है यानी अल्लाह ताला रहमतां करदे ने रोजेदारां दे उत्ते अल्लाह दे फरिश्ते की करदे ने दुआवां करदे ने उन्हां रोजेदारां वास्ते जिहड़े सहरी पे करदे ने उन्हां वास्ते पर मेरे पैगंबर ने फरमाया किन्ना जर अज तुसीं जुमा पढ़न आए हो किन्ना जर तुहानूं मिलना है बंदा अल्लाह दे घर खाना काबा दे अंदर इक नमाज पढ़े एक लख दा सवाब है मस्जिद नबी विच इक पढ़े एक हजार दा सवाब है बैतुल मुक्दस अंदर रोजा रख ले किन्ना सवाब है कोई पता नहीं किन्ना सवाब है कितने नहीं लिखिया किन्ना सवाब है ना कुरान अंदर ना हदीस अंदर कितने मौजूद कोई नहीं के फरिश्ते कहते नहीं अल्लाह मेरे बंदे ने रोजा रखिया है दसो कि अजर लिखिए पर माया पर हो जाओ अजर इन्ना है तुसी लिखी नहीं सकते अल्लाह फिर भी दसो ना पर माया सौमुली बाना जिदी भी रोजा मेरे लिए रोजा मेरे लिए अजर भी मैं दियांगा मुखते सीन फरमाते ने एदा एक माना है वे के क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला रोजेदारा नू सब तो पहले अपने चेहरे दा दीदार करवाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह सब तो पहला रोजेदार अल्लाह पाक अपने चेहरे दा दिल किड्डा सोणा जरे अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां अगला काम केड़ा करना है तरावियां पढ़नियां ने कि नहीं पढ़नियां नबी पाक ने सलातो सलाम पहले रमजान क्याम कीता तरावियां एक नफली इबादत ने भी पढ़ लो अठ पढ़ लो दस पढ़ लो तीह पढ़ लो भावे चाली पढ़ लो जिन्नियां मर्जी पढ़ लो लेकिन मसनून अठ ने मसनून है यानी नबी पाक ने सलातो सलाम ने आठ पढ़ी है लेकिन ये इबादत नफली है जिन्नी मर्जी कर लो जिन्नी तुहाडा दिल करदा कर लो लेकिन यह ना पड़ 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 ऐ हाल है ना भी जनाब पता ही नहीं लगे रुकू कदों हो गया सजदा कदों हो गया है पता ही नहीं लगे जनाब है छूट पट्टी होवे पता लगे भी कारी साहब जा रहे कि तेज गांव जा रहे ये तो नहीं ना हाल हजरत मौलाना फजल जुबैर अली सही रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कराची च एक मस्जिद बनी आ हदीसा दी सारा महला बरेलवी आ मस्जिद बन गई ते ओ जद रमजान है उन्हें आख्या जे असीं ते तरावियां 20 पढ़नियां कारी साहब ने आख्या भी चलो तुहाडी मर्जी मैं 20 पढ़ा दें उन्हें जदों फिर 20 पढ़ाईयां ना ते उन्हें 20 मुका दी ते सारे अगले दिन कहिंदे ने कारी साहब कल तो 8 ही पढ़ा गया इस वास्ते मेरे मोहतरम भाईओ कोई इतराज नहीं अठ मसनून ने अठ मसनून ने तुसी दस पढ़निया भी पढ़निया जिन्निया पढ़निया तुहाडी मर्जी लेकर पढ़निया तेज गाम बन के नहीं सोहणिया करके आहिस्ता पढ़निया मुहब्बत दे नाल अल्लाह खु अकबर दे भाबीओ तुसी भी सुन लो अखे नबी पाक ने तीन दिन पढ़िया बस तीन दिन पढ़ के छुट्टी करो कई भाबीआं दे भी मसला है ना बस तीन दिन पढ़िया तिना दिनों तो बाद छुट्टी नहीं नबी पाक ने फरमाया मन कामा रमजाना जिहड़ा बंदा रमजान दा क्याम करे ते रमजान तिना दिनों दा है
रमजान तत्तिया दिना दा मन काम रमदान जड़ा पूरे रमजान दा क्याम करे। हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद कौंदरी वी रहमतुल्लाह अलैह दिसो तुहाडे बड़े हाफिज मोहम्मद कौंदरी वी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन विच 10 सपारे पढ़िया करदे सन तरावीआं विच 10 पारे। हाफिज मोहम्मद गोंदर वी रहमतुल्लाह अलैह तरावीआं च 10 पारे 8 तरावीआं च 10 पूरे रमजान अंदर 10 कुरान पाक मुकम्मल करिया करदे सन। ते अज को कारी साहब पढ़न खा 2 पारे ते फिर अगले दिन कारी बदलिया हो। चलो जी कारी साहब तुसीं किते होर पढ़ाओ जाके साडियां लत्तां कलोए दियां बड़ियां। ना ना मेरे मोहतरम भाईओ सोनिया करके की हो यार अल्लाह वास्ते घंटा कढ़ लो। अल्लाहु अकबर अल्लाह सवाब ते दराते दी वकार रमजान अंदर करन वाले काम ने लुट लो बहारा मौजा कर लो अल्लाह दे दीन वास्ते मेहनत कर लो मेहनत कर लो। अल्लाहु अकबर अल्लाह माहे रमजान आ गया है माहे रमजान आ गया है माहे गुफरान आ गया है रहमतों के खुल गए खजाने रहमतों के खुल गए खजाने बख्शिशों के मिल गए बहाने मौसमे बहार लौट आया मौसमे बहार लौट आया रहमतों ने कर लिया है साया रहमतों ने कर लिया है साया आओ आओ रहमते समेट लो आओ आओ रहमते समेट लो जन्नतों के मेवे भर के बेट लो आसियों गुनाह की रुत को छोड़ दो आसियों गुनाह की रुत को छोड़ दो अपने नाते मस्जिदों से जोड़ दो अपने नाते मस्जिदों से जोड़ दो पूरे मुल्त तेरे है तुम्हारी पूरे मुल्त तेरे है तुम्हारी कर लो उनको मिलने की तैयारी पूरे मुल्त तेरे है तुम्हारी कर लो उनको मिलने की तैयारी। अल्लाह अल्लाह खाल के कायनात दा कुरान फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहि कुरान वदल्लिन नासी वबैनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह पाक सानू रमजान उल मुबारक तक जिंदा भी रखे और रमजान उल मुबारक दी रहमत हासिल करम दी तौफीक दे। वाखुरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।